बिग बॉस 17 फेम ईशा मालवीय और समर्थ जुरेल का भले ही ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो एक दूसरे पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहे। पहले ईशा ने ब्रेकअप कंफर्म करते हुए कहा था कि अगर नहीं जम रहा तो रिश्ते को घसीटने का कोई फायदा नहीं, जिसके बाद समर्थ ने बताया कि वो बहुत बड़ी मौका परस्त हैं। वहीं अब एक बार फिर से ईशा मालवीय का रिएक्शन सामने आया है। इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए एक इंटरव्यू में ईशा ने कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं, तो मैं उस पर फोकस करूंगी, न कि अपनी पिछली जिंदगी पर। मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी। ठीक है, सबका अपना नेचर है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। मैं नहीं चाहूंगी कि इस मेन चीज पर कुछ बोलूं। खुशी मनाओ यार, मैंने आज रैंप वॉक की है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हाल ही में समर्थ जुरेल ने एक इंटरव्यू में ब्रेकअप के बाद ईशा मालवीय को लेकर काफी कुछ बोला था। समर्थ ने कहा था कि वो बहुत बड़ी मौका परस्त है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है तो मुझसे बात करने लग जाएगी। होली पार्टी पर भी ऐसा ही हुआ, उसने अचानक ही कॉल करके बात करना शुरू कर दिया था जबकि हमारी बातचीत बंद थी। मेरे साथ बाहर तक इसलिए ले गई क्योंकि वहां पेप्स खड़े थे ताकि हमारी स्पॉटिंग हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि हम साथ में हैं। इतना तो मैं सोचता भी नहीं हूँ, समर्थ ने आगे कहा था। उसने लाइव में बोला था कि कुछ कहने के लिए कुछ होना चाहिए, ऐसे 10 लोगों को मैं पाल सकती हूँ, क्या है ये सब, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलना है बोलो, मेरे पर मत बोलो। मेरे नाम से आप झूठी स्टेटमेंट मत दो कि हमने आपसी सहमति से फैसला किया कि नहीं जम रही हमारी, और उसके लिए भी बेटर है। अरे मेरे लिए क्या बेटर है, मुझे पता है, मैं चुप ही था। आप बोलो कि मैं गायब था, इसलिए होता है, सबका वक्त होता है, लेकिन मेरे नाम पर झूठी स्टेटमेंट दोगे तो मैं बोलूंगा। बता दें बीते कुछ दिनों पहले ईशा ने कहा था कि बिग बॉस से आने के तुरंत बाद ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। मुझे याद है कि होली पार्टी में समर्थ और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। हम बात कर रहे थे, साथ में डांस कर रहे थे, लेकिन होली पार्टी के बाद ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिर हमने खुद को क्लोजर कर दिया और लाइफ में मूव ऑन कर लिया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।